जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है आपके लिए? यह है दोस्तों पीएम कुसुम योजना 2024, यानी कि जो सोलर प्लेट लगवाई जाती है, सोलर पंप लगवाए जाते हैं खेतों में, जिससे आपको बिजली उत्पन्न होती है और उससे आप फव्वारे चला सकते हो, पानी की सुविधा हो जाती है। तो इस योजना में एक नई अपडेट आई है, उस अपडेट को हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। यह केवल किसानों के लिए है योजना, इस बात का ध्यान रहे। कोई ऐसा ना सोचे कि सर घर पे भी लगवा सकते हैं क्या, ये नहीं, घर के लिए नहीं है। जिनके पास खेत हैं, खेती करने वाले जो किसान हैं, उन्हीं के लिए यह योजना है। तो इसमें एक नई अपडेट आई है, अपडेट क्या है उसको हम समझने वाले हैं। जो भी जिनके भी फॉर्म रद्द हुए हैं, वो भी उनको दोबारा से रीओपन करवा सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं, सारी कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। अभी तक नहीं जुड़े हैं आप चैनल से तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि ओमवीर योजना के चैनल पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती रहती है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के YouTube चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसको देखते हैं क्या खबर आई है। पीएम कुसुम सोलर योजना 2024, खेतों में सोलर पंप लगवाओ, फ्री में बिजली पाओ, सोलर पंप के पैसे सरकार देगी। बिल्कुल साथियों, ये बिल्कुल सत्य बात है। सरकार 60% तक आपको सब्सिडी वापस कर देती है। जैसे मान लो 1,00,000 रुपए आप लगाते हो, जिसमें से 60,000 रुपए तो सरकार दे देगी और 40,000 रुपए आपके खर्च होंगे। 40,000 में खर्च हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बिजली की फुल सुविधा हो जाएगी। आपके 11-11 फव्वारे, 10-10 फव्वारे आपके चलेंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी। पानी की सुविधा आपको हो जाएगी, खेती करो आराम से, पड़ाव करो, कुछ भी करो, फव्वारे चलाओ, सिंचाई करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बिल नहीं आएगा, जीरो बिल। यानी कि आपकी खुद की है ये तो बिजली, इस प्रकार से समझो आप। आपने खुद ने लगवाई है सोलर पंप, ठीक है ना, आपका कोई बिल नहीं देगा। अच्छा जी, आप देखो ये जो खबर वगैरह है सारी चीजें आपको मिल जाएंगी ओमवीर योजना के टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर ये जो खबर आई है, ये खबर टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। जो भी खबर नोटिफिकेशन आती है, योजनाओं से संबंधित जानकारी मिलती है, सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। तो आप सभी भाई बहन टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको प्रूफ मिलता है, ठीक है जी। सारी चीजें समझाने वाले हैं। देखो भाई, राज किसान साथी पोर्टल है, ऑनलाइन है, ईमित्र से आप इसमें आवेदन कर पाते हो। और आवेदन जिन्होंने पहले कर दिया था, हमने वीडियो बना रखी थी कि भाई आप जाके देख सकते हो, इसी चैनल के ऊपर है वीडियो, हमने वीडियो बनाई थी पूरी जानकारी के साथ। जब इसके आवेदन ऑनलाइन हो चुके थे, उस समय हमने वीडियो बना दी थी कि जो भी किसान साथी इसमें आवेदन करना चाहता है तो वो आवेदन कर सकता है। तो जिन्होंने फॉर्म भरा था ना, और उनका फॉर्म कोई गलत हो गया, किसी भी प्रकार से रद्द हो गया, निरस्त हो गया, तो उन फॉर्मों की दोबारा से रीओपन हो रहे हैं, उन फॉर्मों की जाँच दोबारा से होगी। अगर कोई दस्तावेज गलत हो गया है, कोई दस्तावेज चूक गए, आप नहीं लगा पाए, है ना, ऑनलाइन सबमिट नहीं कर पाए हो, तो अब करने का मौका आपको सरकार ने दे दिया है। अब आप उसको दोबारा से सबमिट करवा सकते हो। जैसे मान लो कोई गलती से भाई आपने बैंक की पासबुक नहीं दी हो पहले, ठीक है, जमाबंदी नहीं लगाई हो, या और कोई ऐसा कागज पत्र रह गया हो तुम्हारा, जिसकी वजह से आपका फॉर्म रद्द हो गया है, तो अब उस कागज को दोबारा से आप अपलोड करवा सकते हो, ठीक है जी। ई मित्र पे ही होगा, राज किसान साथी पोर्टल ये एक ऐप है सरकारी, इसी के ऊपर जाकर के आप अपने मोबाइल से भी करोगे तो, लेकिन मोबाइल से दिक्कत हो सकती है, आप ई मित्र से ही जाके करवाएं। कब से करवा सकते हो, कब से कब तक, लास्ट डेट क्या है? 20 जून से शुरू है और 20 जून इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। 20 जून 2024 तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से रीओपन करवा सकते हो, फॉर्म को सबमिट करवा सकते हो, ठीक है जी। सब्सिडी 60% सरकार देगी और 40% किसान की लगेगी भाई। और जो भी आप कमेंट करते हो उसका जवाब हम देते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन में कोई भी शंका हो, कोई भी आपके विचार आ रहा है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो ओमवीर योजना के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें किसान के पास जमीन कम से कम 1.5 बीघा होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। कम से कम आपके पास 1.5 बीघा का खेत
तो होना ही चाहिए, तब जाके आप इस योजना का लाभ ले पाओगे। ऑल इंडिया में कोई भी किसान इसमें फॉर्म भर सकता है, कोई समस्या नहीं है जी, ठीक है ना। पूरे भारत में सभी किसानों के लिए यह योजना लागू की गई है, तभी तो इसका नाम पीएम है, प्रधानमंत्री कुसुम सोलर योजना 2024, ठीक है साहब। अब देखो आगे की बात करते हैं, जो भी आवेदन निरस्त हो गए हैं वो रीओपन करें, कब तक कर सकते हैं, 20 जून तक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट दोबारा से ऑनलाइन सबमिट करें ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके, ताकि आगे की जो प्रक्रिया है वो सरकार उसको शुरू कर सके। जरूरी दस्तावेज क्या क्या होते हैं, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, दो फोटो, जमाबंदी आपके पास होनी चाहिए, नाम होना चाहिए उसमें, पटवारी से प्रमाणित खेत का नक्शा होना चाहिए, पटवारी खुद साइन मोर लगा के देगा, मोबाइल नंबर, आपके बैंक की पासबुक, चीजें ये होनी चाहिए, यही आपको सबमिट करवानी है, ताकि बैंक में आपके पैसे आएंगे ना तो आपके पासबुक की फोटोकॉपी, वो फोटो है पूरी की पूरी, वो स्कैन होगी बैंक में, पासबुक वाली बैंक की तुम्हारी, ई मित्र पे ही होगी, इसी राज किसान साथी पोर्टल पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर स्कैन होंगे, ठीक है जी। अब किसानों की कितनी लागत लगेगी, कितनी एचपी की आप पंप लगवाओगे तो कितना क्या खर्चा आएगा वो देखते हैं। अगर आप सबसे ज़्यादा एचपी होती है 7.5 एचपी, 7.5 एचपी का सोलर पंप आप लगवाते हो तो उसका खर्चा जो आता है टोटल वो आता है 2,20,000 रुपये, ठीक है, 2,20,000 रुपये का खर्चा आता है, जिसमें किसान को कितना देना पड़ता है, किसान अगर जनरल कैटेगरी में है तो 1,48,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे भाई, बाकी के पैसे सरकार भुगतेगी। और अगर आप एससी एसटी में हैं तो 1,00,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, बाकी के 1,20,000 रुपये बचेंगे वो सरकार देगी, ठीक है, आपको सिर्फ 1,00,000 देने हैं। अगर आप कम एचपी की लगवाते हो, जैसे 3 एचपी की लगवाते हो, तो जनरल वालों को 97,000 देने पड़ेंगे, एससी एसटी को 52,000 रुपये देने पड़ेंगे, बाकी के पैसे सरकार भुगतेगी। आप तो बस जनरल में है मान लो, 97,000 दो और 3 एचपी की लगवा लो, फिर आप आराम से फंवारे व्यवहारे चलाओ, पानी की खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है, पानी की सुविधा हो जाएगी आपको, ठीक है। अगर आप 5 एचपी की लगवाते हो तो जनरल वालों को 1,27,000 रुपये देने पड़ेंगे और एससी एसटी को 82,000 रुपये देने पड़ेंगे, बाकी के सारे पैसे जो हैं सरकार वहन करेगी, ठीक है जी। तो ये है इस योजना का लाभ, मैंने आपको बता दिया। इस योजना में अगर आप फॉर्म लगाते हैं तो सरकार आपको 60% तक सब्सिडी देगी, 40% आपके पैसे लगेंगे, ठीक है जी, और घर का पानी हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना, आराम से बिजली की बचत होगी, बिजली आपको कोई बिल देने की लपड़ा नहीं है, खुद का बिजली का काम रहेगा, खुद आप बिजली के मालिक हो, कोई समस्या नहीं है, कितना भी यूज करो, कितनी भी मोटर चलाओ, पूरे दिन मोटर चलाओ, कोई बिल नहीं आएगा, और ये जिंदगी भर का काम हो जाएगा तुम्हारा, इसे मान के चलो तुम, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, तो आई होप आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। खेतों में सोलर प्लेट लगाई जाएगी, सौर पंप लगाए जाएंगे, उससे आपकी बिजली उत्पन्न होगी और फिर आप अपने खेतों में सिंचाई कर पाओगे, कोई समस्या नहीं रहेगी, बिल का कोई लपड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, ठीक है साहब। आई होप आप अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझ गए होंगे मैंने जो भी बताया है। नई अपडेट आई है रीओपन को लेकर के, रीओपन आप करवा सकते हैं फॉर्म को, कोई समस्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं जुड़े हैं अभी तक चैनल से तो फटाफट से ओमवीर योजना की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देश में जितनी भी योजनाएं निकलती हैं तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।